सहकारी बैंक का कि आमी और मन से सभी किसान भाइयों को मार्गदर्शन देने का चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया और इस जनपद के जिला अध्यक्ष श्री अवधेश कटियार जी का मैं इफको के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोरदार ताली बजाकर श्री अवधेश जी का स्वागत करें। क्योंकि मुझे बतौर अध्यक्ष इस कार्यक्रम में समापन के अवसर पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो पूर्व में जितने वक्ता थे उसमें माननीय बड़े भाई कार्यक्रम के अतिथि श्री पंकज गुप्ता जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोगों के अगुवा भारतीय जनता पार्टी परिवार के मार्गदर्शक, मेरे व्यक्तिगत मार्गदर्शक और समय समय पर अपना मार्गदर्शन देकर मुझे राह दिखाने वाले आदरणीय श्री आनंद अवस्थी जी का हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में चलकर आए मात्र एक दिन की सूचना पर इस कार्यक्रम के लिए आप लखनऊ से पधारे हमारे डीआर साहब श्री दीपक सिंह जी का भी मैं हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे साथ जिला सहकारी बैंक में उपाध्यक्ष, हम लोगों के अभिभावक के स्वरूप में जो अगले 5 वर्षों तक जिला सहकारी बैंक को अपना मार्गदर्शन हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर देंगे, ऐसे गंगा प्रसाद वर्मा जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में श्री मुलायम सिंह जी सहायक आयुक्त कृषि विभाग के हमारे जो वरिष्ठ लोग पधारे हैं सभी का हमारे साथ, डीसीडीएफ के अध्यक्ष श्री पुतीलाल जी, उपाध्यक्ष छोटी बहन श्रीमती प्रियंका जी, हमारे डायरेक्टर योगेंद्र जी, गुप्ता जी, वीरपाल जी, शिवमोहन जी व मंचा सिंह, सभी वरिष्ठ जनों का इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही अच्छे परिदृश्य में हम आप एकत्रित हुए हैं। मंचा सिंह अतिथि गणों के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो सामने बैठे लगभग हमारे 60 से 70% की संख्या हमारी समितियों के अध्यक्ष हैं, जिन हमारी साधन सहकारी समितियों के अध्यक्षों का मैं इस मंच के माध्यम से बतौर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष की भूमिका से आप सभी का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, क्योंकि इस कार्यक्रम के स्वरूप को उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में और सहकारिता विभाग के मुखिया श्री JPS राठौर जी के द्वारा हम लोगों को कुछ दिनों पूर्व लखनऊ में हुई कार्यशाला में अवगत कराया गया था कि नैनो इफको के कार्यक्रम के माध्यम से जनपद में स्तरीय एक कार्यशाला सुनिश्चित होगी, जिसमें माननीय जनपद पर हम लोग इकट्ठा होंगे, आप सभी लोगों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा और सभी विकास खंड स्तर पर, सभी विकास खंडों में भी इस कार्यक्रम को भी होगा, उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। आप सभी के क्षेत्र में संबंधित विकास खंड में आप सभी को आमंत्रित करके जिस भी स्थान पर कार्यक्रम सुनिश्चित होगा, हमारे जो अनुज जी हैं वो इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर आप लोगों के संपर्क में आएंगे। आप लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो सहकारिता के क्षेत्र में हम लोगों को प्रगति लानी है, उसके अभियान के मूल सूत्रधार आप सभी लोग हैं, जो हमारे सचिव हैं, हमारे माननीय अध्यक्षगण हैं, हमारे मंचा सिंह अतिथिगण हैं, आप लोगों के माध्यम से ये मैं आश्वासन देता हूं कि जब भी सहकारिता परिवार का नाम उन्नाव जनपद से जाएगा तो हमारे ये सभी सारे सहकारी बैंक के सभी हमारे सहकारी सदस्य, सभी हमारे अध्यक्ष इस अग्रणी भूमिका में नजर आएंगे। मान्यवर, आप जैसा अभी अध्यक्ष जी संबोधन में कह रहे थे कि वृक्षारोपण के अभियान को प्रगति के लिए हमारे बैंक से रिलेटेड हमारी सभी सहकारी समितियों पर भी सभी अध्यक्षों ने, माननीय अध्यक्षों ने वृक्षारोपण करके आपके उस अभियान को, उत्तर प्रदेश सरकार के अभियान को प्रगति देने का काम किया है। किसानों के संबंध में हमारे कृषि विभाग के जो लोग बैठे हैं, समय समय पर आपका मार्गदर्शन लेकर हम लोग आपके
द्वारा दिए गए निर्देश, दिए गए सुझावों पर अपने किसान भाइयों को अपनी समितियों के माध्यम से सुविधाएं देने का काम करेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूं। और जब भी आपको इस सहकारिता परिवार की कृषि विभाग को आवश्यकता लगेगी, सहयोग की अपेक्षा होगी, एक एक आपके साथ सहकारिता परिवार का सदस्य खड़ा नजर आएगा। नैनो के माध्यम से, नैनो यूरिया के कार्यशाला हुई है, उसके माध्यम से हमारे श्री एसपी सिंह जी ने अभी बहुत डिटेल से आपको चर्चा की है। हमारे अवस्थी जी हमारे सहकार भारती से मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाते हुए लखनऊ से आए हमारे सभी वरिष्ठगण, मंच पर उपस्थित सभी सहयोगियों का मैं पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप सभी हमारे जो रिस्कोल के कार्य द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, अभी इसी कार्यक्रम को हम विकास खंड स्तर पर लाएंगे। आप सभी हमारे सभी अध्यक्षों की सहभागिता इसमें अग्रणी रहेगी। आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग सभी अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आदरणीय सदर विधायक श्री पंकज गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष जी आनंद दादा, मंचा सिंह, सभी वरिष्ठ जन इस चीज के साक्षी होंगे कि आने वाले कुछ दिनों में उन्नाव की सहकारिता परिवार की अपनी पहचान प्रदेश स्तर पर होगी, ऐसा आश्वासन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।